है। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि द लोएस्ट एनरोलमेंट रेशियो यानी एडमिशन लेने वालों का सबसे कम रेशियो मुसलमान कौम से है। 43% ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन दे हैव नेवर सीन अ कैंपस, उन्होंने कभी कोई कॉलेज देखा ही नहीं है या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। पहली आयत इकरा थी और आज सबसे कम एडमिशन लेने वालों में हमारा परसेंटेज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक आयत फरमाई, वहां कहा कि ए महबूब फरमा दीजिए क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते। जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो कुछ ऐसे होगा कि जो नॉलेजेबल हैं और जो नॉलेजेबल नहीं हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते। मतलब नॉलेजेबल की फजीलत, अजमत, रिफत, प्रेस्टीज देखिए आप, कि जो लोग जानते हैं जो नहीं जानते वो कभी बराबर नहीं हो सकते। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स यानी पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वालों का प्रतिशत ये मुसलमान कौन से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है जो जानते हैं जो नहीं जानते वो बराबर नहीं हो सकते, और हम इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नहीं जानने वालों में शुमार किए जा रहे हैं, यानी हम अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देने हैं। बुखारी और मुस्लिम में इल्म की अजमत को बताते हुए एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जानते हो इल्म रखने वाले की एक आबिद पर क्या फजीलत है। इल्म रखने वाले की, जो इंसान पढ़ता है उसकी एक इबादत गुजार पर क्या फजीलत है। कहा या आका क्या फजीलत है, तो कहा जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक आम आदमी पर है उतना एक इल्म रखने वाले की फजीलत एक आबिद पर है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम जानते हो इल्म रखने वाले की फजीलत एक आबिद पर कितनी है। कहा कितनी है, कहा जैसे चौदहवीं के चांद की फजीलत बाकी सितारों पर है। या रसूल अल्लाह मेरे पास एक आंकड़ा है कि 513 लोग हर साल जो अव्वल दर्जे का पीएचडी कर रहे हैं इंडिया में, 513 लोग जो पीएचडी कर रहे हैं हर साल, उसमें से एक आदमी या एक इंसान सिर्फ मुसलमान है। 513 पीएचडी अगर हर साल इस अजमत भरे देश में पैदा होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक इंसान, ये रेशियो है हमारी कौम का। अब आप सोच कर देखिए, मेरे पास आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा नाज है, तो आका ने कहा कि मुझे अल्लाह ने अब बहुत सारी नेमतें दी और मुझे हर नेमत की शुक्रगुजारी है, पर मुझे नाज सिर्फ एक चीज पर है। पूछा क्या, कहा मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम या टीचर बनाकर भेजा। आका इनामदार कहते हैं मुझे और किसी बात पर नाज नहीं सिवाय इसके कि मेरे रब ने मुझे टीचर बनाकर भेजा है। मेरे पास यूनेस्को का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2003 का, वो कहता है कि वन मुस्लिम, हमारी पहली आयत क्या थी, इकरा, इकरा पढ़ो, यूनेस्को का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2003 का, वो कहता है कि अ मुस्लिम सिटीजन रीड्स लेस देन वन बुक इन अ ईयर, वो अपने पूरे साल में एक किताब से कम पढ़ता है। वेयर एज अ यूरोपियन सिटीजन रीड्स समवेयर 35 बुक्स इन अ ईयर, वेयर एज अ इजराइली सिटीजन रीड्स समवेयर 40 बुक्स अ ईयर। एक इजराइली यहूदी सिटीजन वो 40 किताबें साल में पढ़ता है, एक यूरोपियन वो 35 किताबें साल में पढ़ता है, और जिस कौम की पहली आयत इकरा थी पढ़ो उसके बारे में दिया है कि वो सिर्फ एक किताब या उससे कम, ये मुसलमानों के पढ़ने का एवरेज है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे महशर हम अपने रब को या आपको क्या चेहरा दिखाएंगे। आका से किसी ने पूछा पढ़ने की उम्र क्या है,
What is the age of education? पढ़ने की उम्र क्या है? तो नबी पाक फरमाते हैं, पढ़ने की उम्र है माँ की गोद से कब्र के आगोश तक। पढ़ना शुरू करो अपनी माँ की गोद से और पढ़ते रहो कब्र के आगोश तक। मेरे पास कल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2011 की, अरब थॉट फाउंडेशन ने इसे पब्लिश किया है। जब ये कल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 में से, कल मैं फ्लाइट में नोट्स निकाल रहा था तो मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि या अल्लाह पाक मैं ये क्या कर रहा हूँ। अरब थॉट फाउंडेशन कहता है, पहले नबी पाक से पूछा कि पढ़ने की उम्र क्या, तो कहा माँ की गोद से कब्र के आगोश तक। अरब थॉट फाउंडेशन की कल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि एक एवरेज यूरोपियन साल भर में 200 घंटे पढ़ता है, वहीं अरब और मुस्लिम्स साल में सिर्फ एवरेज 6 मिनट पढ़ते हैं। एक यूरोपियन सिटीजन वो साल में 200 घंटे पढ़ता है, वहीं अरब एंड मुस्लिम्स एज अ होल दे रीड एट अ रेट ऑफ 6 मिनट्स पर एनम। लगभग इस आंकड़े में एक जवाब छुपा हुआ है कि आज हम पर जो जवाल आया हुआ है वो किस वजह से है। हमारे आलिम ये बात अक्सर और बेशतर कहा करते हैं कि हमने अपनी कुरान को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि हमने पहली आयत को ही छोड़ दिया। मैं आज़म कैंपस की बात नहीं कर रहा, यहाँ की एनर्जी को देखकर मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस कैंपस से बाहर है। दे रीड एट द रेट ऑफ 6 मिनट्स पर एनम। अब आप सोच कर देखिए वो क्या होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक दुआ की, कहा परवरदिगार मुझे एक ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को ना दी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ऐसी बादशाहत, ऐसी शहनशाहत दे कि तूने जो किसी को ना दी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन के हाथ से उनके लिए एक इम्तिहान भेजा। जिब्राइल अमीन ने उनके सामने 3 चीज़ें लाकर रख दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि इसमें से एक ऐसी है जो अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए चुनी हुई है, मैं आपके सामने 3 रखता हूँ। अल्लाह ने कहा आप जो चुन लेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने पहली चीज़ रखी शोहरत, दूसरी चीज़ रखी दौलत और तीसरी चीज़ इल्म रखा। जब जिब्राइल अमीन ने इल्म रखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, कहा परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरी दुआ गलत थी, मुझे अब बादशाहत नहीं सिर्फ इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म लिया, एजुकेशन ले ली, नॉलेज ले लिया, तो जिब्राइल अमीन ने दौलत और शोहरत से कहा कि चलो वापस चलो, तुम्हें सुलेमान ने ठुकरा दिया है। तो दौलत और शोहरत वहाँ कह पड़ी, हम कहीं नहीं जा सकते, हमारे रब ने जब हमें बनाया था तो ये हुक्म दिया था कि ए दौलत ए शोहरत जहां जहां इल्म या एजुकेशन जाए उसके पीछे पीछे चली जाना। सुलेमान ने इल्म